सुधांशु कुमार एंड संतोष ब्रांड न्यू यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमें बताया कि ड्रीम कम ट्रू, आज हमारा सपना सच हुआ। ये जो सपना है ये आज का नहीं है, ये सपना 20 साल पुराना है मेरा, क्योंकि जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत ही की थी 12th पास आउट करने के बाद, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तभी मैं नेटवर्किंग बिजनेस में आई थी, और तब से लेकर और आज वो सपना मेरा पूरा हुआ है। और बहुत कुछ लाइफ में देखा, क्योंकि भैया ने एक बात कही थी कि घोड़ा लंगड़ा था, घुड़सवार लंगड़ा नहीं था। वो बात मेरे दिल को एकदम से छू गई थी। मैंने कहा यस, हमने जो भी किया, क्योंकि मेरा जो कैरियर शुरू हुआ था वो नेटवर्क बिजनेस से ही शुरू हुआ था। उसके बाद मैंने कुछ टाइम काम किया और हमें लगा कि ये शायद राइट प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मेहनत हमने बहुत की थी और हमें उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला था। मिला था, सक्सेस हुए थे उसमें भी, पर उस तरह का नहीं मिला था। और एक टाइम पे ऐसा आया कि हमें लगने लगा कि शायद हम गलत प्लेटफॉर्म में हैं। उसके बाद हमने अपने ट्रेडिशनल कामों में ध्यान देना शुरू किया। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी और इनका रियल इस्टेट का बिजनेस है, तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम अपने फील्ड में इसमें काम करेंगे दमदार। और हमने 10 साल अपने उस फील्ड में अपना काम किया और इतना काम किया कि जो भी एक आम इंसान चाहता है कि एक अच्छा सा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, वो सब हमने वहाँ से कमाया। पर दोस्तों, लाइफ में ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसी कमी है, कुछ घबराहट सी, कुछ टेंशन सी, कुछ चिंता सी, एक अजीब सी लगी रहती थी। लगता था कि ये मैं इस इतने ही चीज़ के लिए तो नहीं बनी हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास, पर ये घबराहट, ये एक बेचैनी सी क्यों। उसी बेचैनी को के बारे में मैं सोचती रही। मैं बोलती थी प्रभु हर चीज़ तो मेरे को मिला है, एक अच्छे हस्बैंड, दो प्यारे प्यारे से बच्चे, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब कुछ अच्छा, पर ये बेचैनी, ये अंदर का जो बेचैनी है ये किस लिए हो रही है। तो ये मैंने जब अपने आप को, क्योंकि हर एक इंसान का लाइफ ऑफ पर्पस होता है दोस्तों, मेरी लाइफ ऑफ पर्पस क्या था मुझे नहीं पता था, पर जब मैंने जब फाइंड किया तो मुझे पता चला कि मेरा लाइफ ऑफ पर्पस तो ये स्टेज है। और जैसे जैसे अहिल्या का उद्धार करने के लिए राम भगवान जी गए थे, वैसे ही सेम हमारे उद्धार के लिए एसपी भारिल सर भैया हम देहरादून आए और हमारा भाग्य उदय हुआ। और हम और सबसे मतलब ये मेरे लिए एक सपने से बढ़कर, सपने से भी कई बढ़कर है। और हमने अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है विनिंग टीम में आए हुए, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार में आ गई हूँ। आज मेरी वो खोज, मेरी वो टेंशन, मेरी वो बेचैनी सारी खत्म हो गई है। क्योंकि दोस्तों, जब जिसने एक बार नेटवर्किंग कर ली होती है ना, तो उसके उसका जो कह लीजिए ना, उसका मेन जो चीज़ है ना, वो उसको पता हो चुका होता है कि उससे उसको क्या मिल सकता है। तो वो चीज़ें मैंने वहाँ देखी थी उस टाइम पे, पर वही चीज़ें मैं जब ट्रेडिशनल काम में आई तो मुझे लगने लगा कि सब कुछ तो है, पर वो उस तरह की खुशी क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि मेरी डेस्टिनी तो ये सब थी, मेरी मंजिल तो ये थी। और जब मैंने पहली बार भैया से मिली तो मुझे लगा कि यस, मेरी खोज खत्म हो गई। वो जो घबराहट थी, वो जो चिंता थी, वो पूरी शांत हो गई और पूरा का पूरा मुझे अपना लाइफ ऑफ पर्पस दिखाई देने लगा। तो थैंक्स करूंगी मैं भैया का, जिन्होंने हमें
फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया. हमारी सिर्फ उनका एक शब्द, उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है. उन्होंने बोला था, मौका और एहसास. दोस्तों, हर किसी के पास ये दोनों चीज़ें आती हैं, पर मौका सबके पास आता है, पर अगर उनको उसको उस मौके का को कैसे यूज़ करना है उसका अगर एहसास हो जाए तो फिर वो इंसान कुछ भी कर सकता है. हमने कुछ 7-8 महीने पहले ही इस बिज़नेस को शुरू किया था, और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम जब भी हम पहला हमारा FRU है, और नेक्स्ट FRU में जब हम आएंगे तो हम एज ए DUCD आएंगे. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मज़ा नहीं आया? गुड मॉर्निंग दोस्तों. मेरा नाम सुधांशु है और हम लोग देहरादून से चल के आए हैं. रियल इस्टेट का बिजनेस है दोस्तों. जब हम इस बिजनेस में आए थे उस समय हम फुल समृद्धि में चल रहे थे. हमें हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी. बहुत लोग यहाँ पे आए, आपने देखा कि बहुत सारे तकलीफों में इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, लेकिन हम समृद्धि में थे. सब कुछ बुलंदियों पे चल रहा था. उस वक्त हमने डिसीजन लिया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब समृद्धि हो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उस समय कोई भी काम करो तो ऊंचाइयों पे जाता है. ऐसे समय में हमने बिजनेस को बिल्ड करा. और रही बात वेस्टेज बिजनेस में आने की, तो हम तो समझते थे कि ये वेस्ट है प्रोडक्ट, इसका बिजनेस बेकार है. लेकिन जब SP वारिल सर को हमने देखा, पहली बार देहरादून में आए थे और हमने जाकर हम उनसे मिले, तो उनको देखते ही लग गया कि बस अगर ये इस बिजनेस में है ना तो कुछ गलत नहीं हो सकता. और उसी वक्त हमने डिसीजन लिया, और सिर्फ 7 महीनों का सफ़र है और हम लोग यहाँ पे स्टेज पे हैं. वाह. और ये हमारा पहला FRU है, और मैं इस स्टेज से, इस मंच से ऐलान करता हूँ, आज 2 दिन का तीसरा दिन है हमारा, 3 दिन का हमने देखा यहाँ पे फंक्शन, रोंगटे खड़े हो गए. बहुत लोगों को देखा हमने, आग लग गई अंदर से. अगले साल जो FRU होगा, हम लोग ब्रांड न्यू DUCD बन के आएंगे यहाँ पे. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. और एक और डिसीजन लिया हमने, भैया कहते हैं ना कि 3 महीने में, इन्होंने हमारे को बोला था 3 महीने में डायमंड जाना, हमने 3 महीने में डायमंड करके दिखाया. आज हमने डिसीजन लिया, कल रात को ही डिसीजन लिया, कि हमारे टीम से यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं वो सारे के सारे 3 महीने के अंदर डायमंड हो गए. हमारा वादा है. वाह. दोस्तों, कहते हैं ना कि आज जैसा कि हमारी वाइफ ने बोला कि हम लोग अपने घर पे आ गए हैं. हमारे को हमारी तलाश थी हमारे अपनी मंजिल की. हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे अपने पैसे में, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन लग रहा था कि जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ गया है. लेकिन जब से अपने गुरु से मिले, ऐसा लगा कि अंधेरे से उजाले की तरफ चले गए. क्योंकि गुरु का मतलब ही होता है अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना. आज हमारे गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं, विनिंग टीम के गुरु हैं. यहाँ पे जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोग कामयाब हो सकते हैं, बुलंदियों को छू सकते हैं. कहते हैं ना कि जिसका गुरु बलवान, उसका चेला पहलवान. दोस्तों, हम लोगों के गुरु जो है ना, वो बलवान हैं, तो हम लोग पहलवान कैसे नहीं हो सकते. हम लोग करके दिखा सकते हैं. हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबके अंदर एनर्जी है, ताकत है, पोटेंशियल है. मैं तो वहाँ बैठे बैठे मैं तो अपने आप शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था हैदराबाद के लोग जैसे हमें आईना दिखा रहे हों. सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगा कि हमने कुछ किया ही नहीं है. हमें लगा कि हम तो DUCD आ सकते थे, हमने उतनी मेहनत नहीं करी है. तो दोस्तों, हमने अपना आईना देख लिया यहाँ पे, और हमें पता चल गया है कि आने वाले अगले 1 सालों के अंदर क्या मिलने वाला है. और मैं वादा करता हूँ, SP वारिल सर हैं हम यहाँ पे उनके सामने, कि उत्तराखंड से हम सबसे ज्यादा बिजनेस बनाएंगे, और हैदराबाद से भी ज्यादा बिजनेस बनाएंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.